इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ हैज़ टू चूज वन क्लब फ्रॉम म्यूजिक डांस योगा ड्रामेटिक्स फाइन आर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लब्स इनमें से एक क्लब चूज करना है क्लास सेवन स्टूडेंट्स को द डेटा गिवन बिलो शोज द चॉइस मेड बाय गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ द क्लास ये डेटा बता रहा है कि कितनी गर्ल्स ने कौन सा क्लब चूज किया है राइट स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज हमें ये क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं इस टेबल को देखते हुए फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ डबल बारग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू डिपिक्ट द अबव डेटा हमें अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम अपना ग्राफ बना लेते हैं तो ये आ गए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कहें बॉयज एंड गर्ल्स कहें बात एक ही है और यहाँ आ गए क्लब्स right? राइट अब मिनिमम वैल्यू अगर आप देखें तो मिनिमम है एट और मैक्सिमम है थर्टी तो फाइव टेन फिफ्टीन अब देखिए रेड कलर डिनोट करेगा गर्ल्स और ब्लू कलर डिनोट करेगा बॉयज राइट right? अब हमें डबल बारग्राफ बनाना है तो देखिए म्यूजिक क्लब में फिफ्टीन गर्ल्स थी और ट्वेल्व बॉयज थे तो फिफ्टीन गर्ल्स फिफ्टीन गर्ल्स थी और ट्वेल्व बॉयज थे या क्या तो ये था म्यूज़िक तो एम लिख देती हूँ यहाँ पे म्यूज़िक का राइट right? अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो डांस के लिए ट्वेंटी फोर गर्ल्स थी सिक्सटीन बॉयज़ थे ट्वेंटी फोर गर्ल्स एंड सिक्सटीन बॉयज ये थी हमारी डांस क्लास तो डी लिख रही हूँ अब नेक्स्ट देखिए योगा के लिए टेन गर्ल्स और एट बॉयज़ टेन गर्ल्स और एट बॉयज़ दिस इज योगा क्लब नेक्स्ट देखिए ड्रामेटिक्स के लिए नाइनटीन गर्ल्स सेवेंटीन बॉयज नाइनटीन गर्ल्स मतलब ट्वेंटी से दो पॉइंट नीचे नाइनटीन गर्ल्स एंड सेवेंटीन बॉयज ये है हमारा ड्रामेटिक्स राइट नेक्स्ट है फाइन आर ट्वेंटी सेवन गर्ल्स इलेवन बॉयज ट्वेंटी सेवन गर्ल्स एंड इलेवन बॉयज ये हैं आर्ट फाइन आर्ट कहें या आर्ट कहें तो इसलिए एफ ए लिख रही हूँ लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्वेंटी वन गर्ल्स हैं और थर्टी बॉयज़ हैं ट्वेंटी वन गर्ल्स हैं एंड थर्टी बॉयज हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये रहा हमारा डबल बारग्राफ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास सेवेंथ क्लास सेवेंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये बताना है तो अगर हम टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स निकाल लेंगे सारे क्लब के तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेवेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड करियले फिफ्टीन ट्वेंटी फोर टेन नाइनटीन ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी वन अब बॉयज़ ऐड एड करूँ टिक्सटीन एट सेवनटीन इलेवन एंड थर्टी तो कितना आ जाएगा देखिए फाइव प्लस फोर इज़ नाइन नाइन प्लस नाइन इज एटीन एटीन प्लस सेवन इज़ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस सिक्स इज़ थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस एट इज़ फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस सेवन इज़ फोर्टी नाइन फिफ्टी ज़ीरो फाइव कैरी सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन टू हंड्रेड एंड टेन स्टूडेंट्स हैं क्लास सेवेंथ में आंसर नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड क्लब बाय बॉयज बॉयज ने सबसे ज्यादा कौन से क्लब को प्रेफरेंस दी है तो देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो सी पार्ट का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक क्लब इज मोस्ट प्रफर्ड बाय बॉयज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लब ही प्रेफर किया है बॉयज ने विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड बाय गर्ल्स अब लीस्ट प्रिफर्ड गर्ल्स ने किसको किया है तो देखिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी योगा की है तो योगा क्लब इज लीस्ट प्रफर्ड बाय गर्ल्स सबसे ज़्यादा कम गर्ल्स ने योगा प्रेफर किया अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फॉर विच क्लब द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द इज द लीस्ट कौन से क्लब में सबसे कम डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में ये बताना है तो अगर ई पार्ट देखें देखिए म्यूज़िक का डिफरेंस निकालें बॉयज़ एंड गर्ल्स में तो फिफ्टीन में से ट्वेल्व गया तो थ्री का डिफरेंस है नेक्स्ट डांस का निकालें तो ट्वेंटी फोर में से सिक्सटीन गया इज़ एट का डिफरेंस है योगा का निकालें तो टेन में से एट माइनस हुआ तो टू का डिफरेंस है नेक्स्ट ड्रामेटिक्स का निकालें नाइनटीन में से 17 माइनस हुआ टू का डिफरेंस है फाइन आर्ट का निकालें फाइन आर्ट ट्वेंटी सेवन में से 11 माइनस हुआ दैट इज सिक्सटीन का डिफरेंस है एंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर देखें तो थर्टी में से ट्वेंटी वन माइनस किया तो नाइन का डिफरेंस है अब हमें क्वेश्चन में लीस्ट प्रिफर्ड क्लब बताना है तो हमारा लीस्ट प्रिफर्ड क्लब कौन सा है योगा जिसकी टू आर ए डिफरेंस और ड्रामेटिक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं योगा एंड ड्रामेटिक्स आर Least preferred club. Answer. Last part dekhte hain Last part mein keh raha hai for which club is the difference between boys and girls is maximum? किस club में सबसे ज़्यादा maximum difference है? तो यहीं से पता चल रहा है. देखो, art club में सबसे ज़्यादा maximum difference है. तो last part का answer आ गया. इन फाइन आर्ट द डिफ्रेंस बिटवीन ये बिटवीन लिखा है मैंने बॉयज एंड गर्ल्स आर मैक्सिम बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस मैक्सिमम है आंसर लेस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डेटा गिवन बिलो शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स इन अ फैक्ट्री फॉर सम मंथ्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर ये हमें मोटर बाइक्स का प्रोडक्शन दे रखा है कुछ मंथ्स का फॉर टू डिफरेंट ईयर्स अलग अलग दो डिफरेंट ईयर्स का अब क्या कह रहा है आगे स्टडी द टेबल गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये टेबल स्टडी करना है और हमें आंसर देना है ड्रॉ डबल बारग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू डिपिक्ट द अबव इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर दें हमें डबल बारग्राफ बनाना है तो उसके लिए ग्राफ पेपर ले आते हैं ये है हमारी प्रोडक्शन और ये है हमारे मंथ्स राइट right? अब स्केल देखिए मिनिमम अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड है और मैक्सिमम सिक्स थाउजेंड है अब क्योंकि दो इयर्स दे रखे हैं तो रेड वाला है टू थाउजेंड एट और ब्लू वाला होगा टू थाउजेंड सेवन का ये राइट देखिए फैब में ट्वेंटी सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड एट में बाइक्स प्रोड्यूस करी हैं और ट्वेंटी एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन में ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ये आगे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ये है हमारी फैब की प्रोडक्शन अब देखिए मे में थर्टी टू हंड्रेड टू थाउजेंड एट में तो थर्टी टू हंड्रेड और टू थाउजेंड सेवन में फोर्टी फाइव हंड्रेड राइट तो ये है हमारी मे की प्रोडक्शन अब नेक्स्ट देखिए अगस्त में 2008 में 6000 प्रोडक्शन हुई है और 2007 में 4800 की प्रोडक्शन हुई है ये है हमारी अगस्त की प्रोडक्शन अब नेक्स्ट देखिए अक्टूबर में 5000 की प्रोडक्शन हुई है 2008 में और 2007 में 4800 की प्रोडक्शन हुई है ये है हमारी अक्टूबर की प्रोडक्शन लास्ट दिसंबर में अगर आप देखेंगे दिसंबर में 4200 2008 में प्रोडक्शन किया है फोर्टी टू हंड्रेड और फिफ्टी टू हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन में ये है हमारी दिसंबर की प्रोडक्शन आंसर अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इन विच ईयर वॉज द टोटल आउटपुट द मैक्सिमम कौन से ईयर में टोटल आउटपुट मैक्सिमम था ये बताना है तो 2008 का अलग निकालेंगे और 2007 का अलग तो टोटल आउटपुट इन 2008 का देखिए 2700 प्लस 3200 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 4200 तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 2008 में दो जीरो एज इट इज now टू फोर फोर प्लस सेवन इज इलेवेन कैरी वन थ्री थ्री सिक्स ट्वेल्व सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसी तरीके से टू थाउजेंड सेवन में देखते हैं ट्वेंटी एट हंड्रेड प्लस फोर्टी फाइव प्लस एट

राइट right? ये थी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शंस दोनों ईयर की अब ये कह रहा है इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन द मैक्सिमम मैक्सिमम कौन से ईयर में हुए 2007 में तो इन 2007 द प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम आंसर लेट्स डू सी पार्ट नाउ सी पार्ट में कह रहा है फाइंड द मीन प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2007 हमें मीन प्रोडक्शन निकालनी है 2007 की सी पार्ट में मीन प्रोडक्शन इन 2007 क्या होगी सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर तो देखिए सम कितना आया था 2007 में अगर आप देखेंगे तो सम कितना आया था टू ट्वेंटी वन हंड्रेड तो डायरेक्टली लिख रही हूँ प्रोडक्शन का टू ट्वेंटी वन हंड्रेड आया था और टोटल पाँच महीने की प्रोडक्शन दे रखी है तो डिवाइड बाय फाइव अब जो कटता है काट देंगे नहीं तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो मैं डायरेक्टली डिवाइड रही हूँ फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव फोर जो ट्वेंटी फ़ाइव टू जो टेन एंड जीरो तो मीन कितना आ गया फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी इज द आंसर अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फॉर विच मंथ वाज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन फॉर द टू इयर्स द मैक्सिमम कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का डिफरेंस है तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन से महीने में मैक्सिमम प्रोडक्शन का डिफरेंस है तो डी पार्ट का देखिए फैब में अगर देखें ट्वेंटी एट हंड्रेड माइनस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है नो no मैटर्स कौन से ईयर की है आप मे में देखें फोर्टी फाइव हंड्रेड में से हम थर्टी टू हंड्रेड माइनस करेंगे तो कितनी आ रही है तेरह सौ इसी तरीके से अगस्त की देखें सिक्स थाउजेंड में से फोर्टी एट हंड्रेड माइनस करेंगे तो यार आ रहा है ट्वेल्व हंड्रेड नेक्स्ट अक्टूबर की देखें फाइव थाउजेंड में से फोर थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस किया तो टू हंड्रेड आ रहा है और लास्ट हमारा दिसंबर में फिफ्टी टू हंड्रेड में से 4200 टू हंड्रेड माइनस किया तो वन थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कौन से ईयर का प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मे का है हम यहाँ लिख सकते हैं इन मे मंथ द प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम मैक्सिमम है अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इन विच मंथ फॉर द ईयर 2008 द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम 2008 में कौन से मंथ में प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो देखिए अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है तो इन अगस्त मंथ द प्रोडक्शन इज

Fab month. The production is least in two thousand seven. Answer. Let's do next question now. Now this question The table below compares the population of four towns over टू ईयर्स ये दो साल में डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में कितनी पॉपुलेशन है वो कम वो बता रहा है टेबल स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग कोश्चन्स तो हमें ये टेबल स्टडी करनी है और आंसर करने हैं ये फॉलोइंग क्वेश्चन ड्रॉ अ डबल बारग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू डिपेक्ट द इंफॉर्मेशन हमें डबल बारग्राफ बनाना है जो ये इंफॉर्मेशन डिपेक्ट करे तो देखिए स्केल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले अब ये है हमारे पॉपुलेशन इन हंड्रेड इन हंड्रेड और ये है हमारे टाउन्स अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं मिनिमम है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड और मैक्सिमम है नाइंटी टू हंड्रेड अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स की पॉपुलेशन ड्रॉ कर लेते हैं टू थाउजेंड सेवन हमारा रेड से मार्क होगा टू थाउजेंड सेवन और ब्लू से हमारा टू थाउजेंड नाइन मार्क होगा अब देखिए टू थाउजेंड सेवन में ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पॉपुलेशन थी ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पॉपुलेशन थी और टू थाउजेंड नाइन में थर्टी टू हंड्रेड थी थर्टी टू हंड्रेड थी ये है टाउन ए अब बी में देखिए सिक्सटी फोर हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन में थी और सेवेंटी फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन में थी ये थी बी टाउन की पॉपुलेशन अब सी टाउन की देखिए सी टाउन की एट्टी थ्री हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन में थी और नाइन्टी टू हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन में थी ये थी सी टाउन की पॉपुलेशन लास्ट डी टाउन की देखिए फोर्टी सिक्स हंड्रेड हमारी 2007 में थी और 6300 हमारी 2009 में थी ये थी डी टाउन की पॉपुलेशन अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है इन विच टाउन वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम कौन से टाउन में पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम थी ये बताना है तो उसके लिए हम डिफरेंस निकाल लेंगे अब देखिए कौन से टाउन की पॉपुलेशन मैक्सिमम ग्रो करिए ये बताना है बी पार्ट में तो डिफरेंस निकाल देते हैं ए टाउन का अगर डिफरेंस देखें थर्टी टू हंड्रेड में से ट्वेंटी नाइन हंड्रेड मतलब टू थाउजेंड सेवन में ट्वेंटी नाइन हंड्रेड थी और टू थाउजेंड नाइन में थर्टी टू हंड्रेड हुई गई है तो तीन सौ की राइज़ हुआ है बी टाउन में देखें सेवेंटी फाइव हंड्रेड हो गई है टू थाउजेंड नाइन में और 2007 में 6403 तो ये आ गया 1100 का इंक्रीज हुआ है सी टाउन में देखिए 9200 थी 2009 में और 2007 में 8300 थी तो ये कितने का इंक्रीज हुआ है 900 का इंक्रीज हुआ है लास्ट डी में देखिए 6300 थी 2009 में और 2007 में 4600 थी तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है देखिए थर्टीन में से सिक्स गया सेवन एंड वन सेवेंटीन हंड्रेड तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंक्रीम इंक्रीज बी टाउन में हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी हैज मैक्सिमम ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ अब लास्ट पार्ट देखते हैं लास्ट पार्ट में कह रहे हैं इन विस्ट टाउन वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ लीस्ट अब लीस्ट कौन से उसमें है तो देखिए सबसे कम ए टाउन की इंक्रीज हुई है तो द पॉपुलेशन ऑफ ऑफ टाउन एज लीस्ट ग्रोथ लीस्ट ग्रोथ हुई है आंसर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल बिलो गिव द डेट ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग फाइव हिल्स स्टेशन ओवर टू कॉन्जिक्यूटिव दो साल में कितने कितने टूरिस्ट विजिट करे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट हिल स्टेशन पे स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोस ड्रॉ अ डबल बारग्राफ टू डिपेक्ट द अब इंफॉर्मेशन यूजिंग अप्रोप्रियट स्केल हमें अप्रोप्रिएट स्केल यूज करके डबल बारग्राफ बनाना है सबसे पहले तो देखिए ये है हिल स्टेशन हिल स्टेशन और ये है नंबर ऑफ टूरिस्ट राइट आप देखिए मिनिमम अगर वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम है थर्टी फाइव हंड्रेड और मैक्सिमम है हमारी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड का गैप रख लेते हैं अब दो इयर्स दे रखे हैं टू थाउजेंड एट एंड टू थाउजेंड नाइन तो रेड कलर टू थाउजेंड एट डिपेक्ट करेगा और टू थाउजेंड नाइन ब्लू कलर डिपेक्ट करेगा राइट right? अब नैनीताल में देखें फ़ोर थाउजेंड नैनीताल में विज़िट किए टू थाउजेंड एट फोर थाउजेंड और टू थाउजेंड नाइन में 4800 एट हंड्रेड लोग विज़िट किए नैनीताल ये है हमारा नैनीताल नैनीताल के लिए एन लिख रही हूँ नेक्स्ट है शिमला शिमला में फिफ्टी टू हंड्रेड टूरिस्ट गए हैं 2008 टू थाउजेंड एट में और टू थाउजेंड नाइन में फोर्टी फाइव हंड्रेड गए हैं तो ये था शिमला तो शिमले के लिए एस अब नेक्स्ट देखिए मनाली में थर्टी सेवन हंड्रेड कह रहे हैं टू थाउजेंड एट में विजिट किया है तो थर्टी सेवन हंड्रेड और फोर्टी टू हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन में ये आ गया हमारा मनाली अब नेक्स्ट स्टेशन देखिए मसूरी मसूरी में फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड इन टू थाउजेंड एट और सिक्सटी टू हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन ये है हमारा मसूरी मसूरी के लिए एम ए लिख रहे हैं लास्ट है कुल्लू थर्टी फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड एट और फोर्टी सिक्स हंड्रेड इन टू थाउजेंड नाइन सिक्स हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन ये हमारा कुल्लू का डेटा दे रखा है तो के लिख रही हूँ ले नेक्स्ट पार्ट नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विच हिल स्टेशन वॉज विजिटेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2008, 2008 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट ने कौन सा हिल स्टेशन विजिट किया है तो अगर देखेंगे आप सबसे ज्यादा 5800 मसूरी का है 2008 में तो मसूरी विजिट किया है तो बी का आंसर हमें पता चल गया इन 2008 थाउजेंड टूरिस्ट visited Mussoorie the most अब सी पार्ट देखते हैं सी पार्ट में कह रहा है विच स्टेशन वॉज विजिटेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन में सबसे कम टूरिस्ट कौन से हिल स्टेशन पे गए हैं दैट इज मनाली तो In two thousand nine, the least number of tourists visited Manali. अब लास्ट पार्ट देखती है लास्ट पार्ट में कह रहा है इन विच हिल स्टेशन वॉज देयर इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द ईयर टू किस हिल स्टेशन पे इंक्रीज हुआ है नंबर 2009 में तो अगर आप देखेंगे सबसे पहला नैनीताल में इंक्रीज़ हुआ है 2009 में मनाली में इंक्रीज़ हुआ है मसूरी में इंक्रीज़ हुआ है और कुल्लू में इंक्रीज़ हुआ है तो डी पार्ट का आंसर लिख देते हैं इन Two thousand nine tourist visited Nainital, Manali, Masuri, and Kullu. मोर देन टू थाउजेंड एट आंसर लेस यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है द टेबल बिलो शोज द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम लाइक बाय द चिल्ड्रन ये फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स हैं जो बॉयज एंड गर्ल्स कितनी कितनी लाइक करते हैं लाइक फोर बॉयज वेनिला लाइक करते हैं तो एट गर्ल्स वेनेला लाइक करते हैं राइट अब वो कह रहे हैं स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब हमें ये टेबल स्टडी करना है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं ड्रॉ अ डबल ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन हमें ये इंफॉर्मेशन को डबल ग्राफ में बनाना है तो देखिए ये आ गए हमारे बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज ऑब्लिक गर्ल्स ये आ जाएगा फ्लेवर्स राइट मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू थ्री है और मैक्सिमम वैल्यू थर्टीन है तो बॉयज़ को हम ब्लू कलर से डिनोट कर देंगे और गर्ल्स को हम रेड कलर से डिनोट करेंगे राइट right? आप सबसे पहले देखिए वेनिला आइसक्रीम फोर बॉयज लाइक करते हैं और एट गर्ल्स लाइक करती हैं ये है वेनिला आइसक्रीम तो वेनिला के लिए वी लिख रही हूँ नेक्स्ट है चॉकलेट आइसक्रीम नाइन बॉयज़ लाइक करते हैं और ट्वेल्व गर्ल्स लाइक करती हैं ये है चॉकलेट आइसक्रीम तो सी लिख रही हूँ अब नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थ्री बॉयज़ लाइक करते हैं और सेवन गर्ल्स लाइक करती हैं तो ये थी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो एस लिख रही हूँ नेक्स्ट देखिए मैंगो एट बॉयज़ लाइक करते हैं और नाइन गर्ल्स लाइक करती हैं तो ये थी मैंगो आइसक्रीम तो एम लिख रहे हैं लास्ट है हमारी बटर स्कॉच थर्टीन बॉयज लाइक करते हैं और टेन गर्ल्स लाइक करती हैं तो ये थी बटर स्कॉच तो बी एस लिख रही हूँ राइट तो अब बन गया हमारा डबल बारग्राफ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विच फ्लेवर इज लाइक द मोस्ट बाय द बॉयज सबसे ज्यादा फ्लेवर कौन सा लाइक किया गया बॉयज के तो अगर आप देखेंगे बटर स्कॉच की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो बॉयज लाइक्ड स्कॉच फ्लेवर बटर स्कॉच फ्लेवर मोस्ट सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ऑल टोटल हमारी कितनी गर्ल्स हैं वो बताना है तो नंबर ऑफ गर्ल्स सबको एड कर देंगे तो एट प्लस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस टेन तो कितना आ जाएगा एट प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन इज़ ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स प्लस टेन इज़ फोर्टी सिक्स गर्ल्स हैं टोटल अब नेक्स्ट पार्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहा हूँ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लाइक करते हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम तो देखिए चॉकलेट आइसक्रीम अगर आप देखें नाइन तो बॉयज लाइक करते हैं और ट्वेल्व गर्ल्स गल, लाइक करती हैं तो टोटल हमारी ट्वेंटी वन चिल्ड्रन लाइक करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम अब लास्ट पार्ट देखिए लास्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द चिल्ड्रन हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टू वेनिला फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम हमें रेशो निकालनी है चॉकलेट फ्लेवर की वेनिला फ्लेवर पे तो सबसे पहले चिल्ड्रन निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक देखिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बात कर रहा है तो ऊपर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही आएगा स्ट्रॉबेरी अपॉन अब देखिए बाद में वैनिला फ्लेवर की बात कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक वैनिला तो देखिए स्ट्रॉबेरी कितने चिल्ड्रन लाइक like कर रहे हैं थ्री प्लस सेवन और वेनिला कितने लाइक like कर रहे हैं फोर प्लस एट तो ये कितना आ गया सेवन प्लस थ्री इज टेन फोर प्लस एट इज ट्वेल्व आप सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे टू फाइव जर टेन टू सिक्स ज ट्वेल्व तो ये कितना आ गया फाइव अपॉन सिक्स कहें या फाइव इज टू सिक्स कहें बात की है So 5 is to 6 is the answer.